वेलकम टू द चैनल फ्रेंड्स, होप यू गाइस आर एब्सोल्युटली फाइन। फ्रेंड्स, आपको ये जो पीछे का नज़ारा है मैं दिखाऊं, ये पूरा क्रिकेट का जो नज़ारा चल रहा है, इससे आपको डेफिनेटली पता चल गया होगा कि मैं अभी स्टेडियम में हूँ। लगभग 3-4 महीने पहले मैंने एक ऐसा ही एक वीडियो डाला था, और एट दैट टाइम क्रिकेट का बहुत क्रेज़ था। गर्मियों की छुट्टी थी और बहुत सारे लोग खेल रहे थे, बहुत सारा रिस्पॉन्स मिला। लेकिन आज मैं आपको बताऊं, ये जो चैनल है वो चला गया है इंटरनेशनल लेवल पे चला गया है। और मैं आपको बताऊं कि हमारी शहडोल की एक पर्सनालिटी जो इंटरनेशनल लेवल पे शहडोल का नाम रोशन कर रही हैं, आज हमारे साथ है। सो आई वुड लाइक टू वेलकम पूजा वस्त्रकार जी, जो कि इंटरनेशनल क्रिकेट टीम की प्लेयर हैं, और रिसेंटली अगेन उनका सिलेक्शन हो गया है इंटरनेशनल क्रिकेट टीम के एज अ मेंबर। पूजा जी प्लीज कम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। आपका सिलेक्शन अभी अगेन इंटरनेशनल क्रिकेट टीम के लिए हो गया है। सो मैं ये नहीं पूछूंगा कि कैसा लग रहा है, डेफिनेटली बहुत अच्छी फीलिंग आती है, आपको इतना बड़ा ऑनर मिलता है। बट मैं बड़ी कॉमन सी बात करूंगा कि कैसी हो जाती है लाइफ, मीन्स व्हेन यू गेटिंग इनटू द इंटरनेशनल क्राउड, वहाँ का और यहाँ का लाइफ कैसे बैलेंस करते हैं और कैसे होता है? सबसे पहले थैंक यू सो मच सर। लाइफ चेंजेस, हाँ ये बात है कि जब मैंने क्रिकेट करियर स्टार्ट किया था तब मुझे उतना कोई रिस्पांस नहीं मिलता था शहडोल से। आज एक इंटरनेशनल क्रिकेट होने पे मुझे बहुत सारे रिस्पांस मिलते हैं, मुझे सब अपने घर बुलाते हैं, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स बन गए हैं, और मतलब लाइफ चेंज सा ही हो गया है कि मतलब ऐसा लगता है कि आप कहाँ थे और कहाँ आ गए हो। बस ये आप लोगों का प्यार है जो मुझे इतना मिल रहा है, और मैं आशा करती हूँ कि ऐसी मैं परफॉर्मेंस देते रहूँ और आप लोगों का प्यार मिलता रहे। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं पिछले लगभग 6-7 महीने से पूजा जी को चेज कर रहा था, बट बिकॉज ऑफ हर बिजी शेड्यूल, उनका बाहर आना जाना, टूर्नामेंट्स के लिए बहुत सारे एंगेजमेंट्स होते हैं व्हेन यू गेटिंग इनटू द इंटरनेशनल कंसर्न, सो बहुत सारे एंगेजमेंट्स होते हैं, तो टाइम ना मिलने के कारण लगभग 6-7 महीने बाद मैं आज उनसे ये मीटिंग कर पा रहा हूँ। और ये बहुत देर की मीटिंग नहीं है, मुझे मुश्किल से 5-7 मिनट का ही टाइम मिला है। पूजा जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि लगभग मार्च के आसपास मैंने एक वीडियो यहाँ पर बनाया था, आप देख भी सकते हैं। देखा था मैंने। और मैं आपको बताऊं कि अगर आप उस वीडियो के कमेंट्स में जाएंगे, अच्छा, मुझे दो जने औरंगाबाद से किए हैं, वो डेफिनेटली आपके बारे में मालूम है उनको। उन्होंने बोला कि पूजा वस्त्रकार आपकी शहर से हैं? मैं बोला हाँ यार, हमारे ही शहर से है। एक बंदा है जो कि बेसिकली शहडोल से ही है, लेकिन ही इज़ प्लेइंग इन इंदौर, अच्छा, वो इंदौर में खेल रहा है। तो उसका एक इंक्वायरी आया था कि क्या वो शहडोल आ सकता है। मैं बोला मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं मालूम, लेकिन आशुतोष सर उस समय थे तो उनका नंबर उन्होंने मांगा, मैंने प्रोवाइड कर दिया। और भी बहुत सारे कमेंट्स आए हैं जस्ट बिकॉज ऑफ यू, आप विश्वास नहीं मानोगे, आपके कारण शहडोल में क्रिकेट का इतना क्रेज़ हो गया है कि देखते ही बनता है। सो फ्यूचर में अभी जस्ट रिसेंटली सिलेक्शन हुआ है, तो कब निकल रहे हैं, कब क्या कैसा है, थोड़ा बताएंगे क्या? अभी तो ऑफिशियली ऐसे कैंप की डेट नहीं आई है, पर मे बी मैं 9th अक्टूबर के आसपास मैं निकलूँगी, और फिर 9th अक्टूबर के आसपास, और फिर वहाँ पे बॉम्बे में फिर हमारा 10-15 डेज का वहाँ पे कैंप है, फिर उसके बाद हम वेस्ट इंडीज़ रवाना होंगे, वहाँ पे भी हमारा कैंप है 10-15 दिन का, और फिर 3-4 प्रैक्टिस मैचेस, फिर मेन मैचेस। ओके, सो अगेन यू आर गोइंग टू बी इन अ वेरी बिजी शेड्यूल। सो दैट्स ऑल फ्रेंड्स, हमको सिग्नल्स आ गए हैं पूजा जी की कोच सर की तरफ से कि पूजा जी को जाना है। सो मैंने बताया कि ज़्यादा टाइम नहीं मिला है हमको पूजा जी के साथ, उनको जाना है। सो आई होप यू एंजॉयड दिस अ वेरी स्मॉल मुलाकात विद पूजा जी, और हमारा चैनल पूजा जी आपकी तरफ से आज इंटरनेशनल लेवल का हो गया है। सो थैंक्स अ लॉट फॉर नाउ जी। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट पूजा जी फॉर गिविंग दिस मच टाइम। ओके, एनी मैसेज फॉर शहडोल डायरीज, शहडोल के लोगों के लिए? शहडोल बहुत ही वंडरफुल प्लेस है, आप ये शहडोल डायरीज में आप
अक्सर जो है वीडियो बना के अच्छी अच्छी भेजते रहते हैं, तो आप इसको देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और मुझे भी खुशी होगी, आप इसको जितना फैलाओगे उतना मुझे अच्छा लगेगा और लोगों को मैं इंस्पायर कर पाऊँ, मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है। थैंक यू सो मच। ओके, दैट्स ऑल फॉर फ्रेंड्स फॉर दिस टाइम। आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। जो मुझे पहली बार देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मैं आगे बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस लाने वाला हूँ। थैंक्स अ लॉट फॉर नाउ, दिस इज संजीत सोनी, जय हिंद। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा फ्रेंड्स, अगर आप फेसबुक यूज़ करते हैं, डेफिनेटली जिसके पास स्मार्टफोन होगा फेसबुक तो यूज़ करता ही होगा, सो यू कैन फाइंड द पेज ऑफ शहडोल डायरीज इन फेसबुक एज वेल। शहडोल डायरीज के नाम से ही है, आप उसको लाइक करके उससे ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ पे भी सेम वीडियोस होते हैं, प्लस पिक्स भी शेयर करता हूँ, मैनी चीज़, बहुत सारी चीज़ें हैं वहाँ पे। अगर आप इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं तो शहडोल अंडरस्कोर डायरीज, इस नाम से इंस्टाग्राम पे भी शहडोल डायरीज़ का पेज है। और अगर आप ट्विटर यूज़ करते हैं तो ट्विटर पे @shahdoldiaries के नाम से हम ट्विटर पे भी हैं। सो यू कैन ज्वाइन अस इन दीज प्लेटफॉर्म्स एज वेल। Do you know this? Every guy you meet winds up catching feelings for ya. You can have any of them, you can take your pick, but you need to check the lead, girl. I promise I'm legit. You see me going to the movies.